नमस्कार, मेरा नाम अमित उपाध्याय है। मैं IRCTC अहमदाबाद से हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले भी हमने ये गाड़ी शुरुआत होने से पहले हमने आपके साथ में इंटरव्यू किया था। तो ये हमने कोविड महामारी के बाद में तीर्थ यात्रा स्पेशल की शुरुआत की, और गत दिवस कुछ पिछले एक महीने भर के अंदर हमारी दो स्पेशल ट्रेनें रवाना हुई राजकोट से। दूसरी अभी कल रवाना होने वाली है। एक ट्रेन जो हमारी पहले रवाना हुई थी 14 तारीख को, तकरीबन 600 आदमी के लगभग उसमें यात्री ने ट्रेवल किया साउथ दर्शन के लिए, और कल के दिन 27 तारीख को हमारी दूसरी गाड़ी जो है राजकोट से शाम को 4 बजे रवाना हो रही है, जो कि ईस्ट के लिए जाएगी, कोलकाता गया गंगा सागर पुरी, उसमें भी तकरीबन 600 से ज़्यादा यात्री इसमें बुक हो चुके हैं। तो बहुत ही पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत अच्छा रुझान, बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं। इसी प्रकार से तीसरी एक हमारी स्पेशल ट्रेन है, जो कि आप सभी जानते हैं कि कुंभ का जो समय आता है वो काफ़ी एक टाइम पीरियड के गैप में आता है। तो कुंभ स्पेशल और उत्तर भारत दर्शन इसको बोल सकते हैं हम, विद वैष्णो देवी के साथ। तो ये गाड़ी जो है 6 मार्च को जो है ये राजकोट से ही रवाना हो रही है, और इसमें भी तकरीबन 450 के आसपास की बुकिंग हो चुकी है। और ये गाड़ी जो है राजकोट से निकलेगी, जो कि मथुरा जो है इसका पहला हॉल्ट है। मथुरा के बाद में ये जो है अपना हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में ये ऋषिकेश भी वहाँ पे कवर करेगी, उसके बाद अमृतसर, अमृतसर के बाद वैष्णो देवी। तो ये सभी जगह पर ये तीर्थयात्रियों को घुमाएगी। इस गाड़ी के अंदर तीनों समय का भोजन और चाय नाश्ता सभी कुछ इंक्लूड रहता है। गाड़ी के अंदर एस्कॉर्ट्स की सर्विस, हाउसकीपिंग की सर्विस, और भ्रमण स्थल पे बसेस की सुविधा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल पैकेज, प्राइस जो है बहुत ही नॉमिनल है। आम आदमी जनसेवा के लिए हम लोग चला रहे हैं इसको। 8,505 रुपये इसका कीमत है। तो पब्लिक का रुझान अच्छा है, अभी भी अच्छा है, और ये आने वाली गाड़ी में भी हम आप चाहेंगे कि आपके माध्यम से पब्लिक जनमानस तक इसकी खबर पहुँचे और सभी लोग इसके बारे में आकर्षित होकर के अपनी बुकिंग कराएं इसके अंदर। ये सर 8 रात 9 दिन का प्रवास है, और जो है 6 तारीख को जाके 14 तारीख को ये जो है राजकोट में ही समाप्त होगा पूरे। सर कोविड का हमने एक आइसोलेशन कोच इसके अंदर हमने जो बुकिंग की जो ली हुई है उसमें एक कोच को हमने छोड़ा हुआ है, कि किसी भी यात्री को या किसी भी स्टाफ को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है ऑन टूर, तो फिर उसको हम जो है आइसोलेशन कोच में शिफ्ट कर देंगे। अभी तक भगवान की दुआ से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कि दो ट्रिप्स अच्छे निकले हैं। आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों के थ्रू पब्लिक में बहुत जो है इसकी न्यूज़ चली, और हमने मात्र 15 से 20 दिन के अंदर इसको 600-600 रुपये दो गाड़ियों को हमने ऑपरेट कर दिया है। 14 तारीख को निकली है जैसे मैंने बताया, और 27 को कल शाम को रवाना हो रही है। बुकिंग इसकी जो माध्यम है बुकिंग का, वो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू है। हमारे अधिकृत एजेंट्स के साथ में बुकिंग कर सकते हैं, और हमारे डायरेक्ट हमारे ऑफिस के आकर के भी काउंटर में बुकिंग करा सकते हैं। ये जो है वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है पब्लिक के लिए, कि इस मेन पीरियड में, जो कि आप जानते हो 27 फरवरी से और जो है 27 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है कुंभ का समय है, और जबकि अभी गवर्नमेंट ने उसको 1 अप्रैल से कर दिया है, बट इसका एक्चुअल टाइमिंग जो है 27 फरवरी के बाद से शुरू है। तो अभी कोई एज रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है हमारी इस डेट में, कि किसी को एज कोई ज़्यादा है तो उसको कुछ कठिनाई होगी, तो उसका भी हम पूर्ण विश्व ध्यान रखेंगे उस चीज़ के लिए भी। कोविड के लिए भी हमने काफ़ी जो है हमने ध्यान रखा हुआ है। मास्क और सैनिटाइज़र हम गाड़ी में प्रोवाइड करा रहे हैं सब।